रात्रि के यात्री इज ऑल अबाउट सेक्स वर्कर्स, कितनी सारी लड़कियां हैं जो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है. सो द स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल. हे गाइस, आई एम रश्मि देसाई एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट. वेलकम टू रश्मि टू फिल्मी बीट. क्या कुछ कहना चाहोगे रात्रि के यात्री सीजन 2 आ गया, 1 को इतना प्यार मिला था, 2 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन? ऑफ कोर्स सीजन 1 को बहुत प्यार मिला था, उतना ही प्रेशर हो जाता है. और ऑनेस्टली दिस प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. नाउ I really wanted to do something different. My commitment with my audience were very very long. Abhi tak jitne bhi project kiye hai, maine lambe lambe samay tak unke saath apna judaav rakha hai. But now this is the first time and first step that I had taken in past, and I chose different subject, which is this Ratri Ke Yatri. And this Ratri Ke Yatri is all about sex workers and unki kahaniyan, unki zindagi ke bare mein, unke bare mein hai. कोई भी किरदार अगर आप निभाने जाते हैं तो बहुत समझदारी से एज एन एक्टर आप अगर पढ़ लो उतना काफ़ी नहीं होता है. उसे निभाने के लिए आपको उसके उसे समझना भी पड़ता है. और मैं हमेशा पूरी तरह से कोशिश करती हूँ दैट इफ़ आई एम कन्विंस देन आई कैन मेक द अदर पीपल ऑल्सो कन्विंस. सो द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एवरी कैरेक्टर इन दिस एंटायर सीरीज इज़ वेरी वेरी अमेजिंग. डायलॉग्स आर फैबुलस. डायरेक्टर हमारे जो है अनिल बी कुमार जी, वो बहुत अच्छे हैं. आई थिंक उस वजह से बहुत आसानी हो गई थी इस किरदार को निभाने में. इट्स वेरी पेनफुल. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट कि अरे मैंने तो ये किया. व्हेन आई एम वर्किंग आई एम वेरी प्रोफेशनल. आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर बिकॉज आई एम नॉट रूबी. आई हैव नॉट मेट एनी सेक्स वर्कर. आई हैव नॉट बिन टू एनी सच प्लेसेस ऑल्सो. आई हैव ओनली हर्ड अबाउट इट, आई हैव रेड अबाउट इट, आई हैव सीन सम डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट इट. बट to play this role, my director had certain kind of expectation as an actor from Rashmi, that is me, ke Ruby aisi hai, Ruby is tarah se. So that was very easy for me. But after the shoot, it affected me a lot, kyunki wo kahaniyan padhna, dekhna, aur us kirdar ko jab aap nibha rahe hote ho, to ek bahut minute si thin line hoti hai ki us kirdar ke bare mein jab aap sochte rehte ho constant, तो एकदम से आप स्नैप आउट नहीं कर पाते हो. इट टेक्स लिटिल टाइम. तो इट देन इट मेड मी रियलाइज कि अच्छा ओ कितनी सारी लड़कियां हैं जो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है. कितनी सारी लड़कियां हैं जो फैमिली के लिए या अपनी सिचुएशंस के लिए या पढ़ाई के लिए या सामाजिक ऐसे दौर के लिए जो जिनकी फैमिली ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में है, वो ये प्रोफेशन को चूज करती है फॉर देयर सर्वाइवल ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं ये मुझे शूटिंग के बाद ज़्यादा इफेक्ट किया था. एग्जैक्टली. एंड अगर बात करूँ जिस तरीके से लोगों प्यार कर रहे हैं, आपने अलग सब्जेक्ट पर ही चूज़ किया लेकिन लोगों का काफ़ी प्यार आ रहा है. फैंस की बात करो तो वो बहुत पसंद कर रहे हैं. सो अब क्या कहना है आपको, जब आपने रिस्क किया लेकिन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है? आई एम मोर देन हैप्पी कि उन्हें काम अच्छा लगा. इट्स अ टीम वर्क. डेफिनेटली इट वॉज नॉट ईजी. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम यू नो वेरी फैमिलियर विद रूबी. पूरी कोशिश और मेहनत की और अगर उन्हें ये पसंद आ रहा है देन आई एम मोर देन हैप्पी. देन आई थिंक देर आर लॉट मोर थिंग न्यू थिंग दैट आई वुड लव टू शेयर विथ ऑन टाइम बट लेट द राइट टाइम कम. एग्जैक्टली. रात्रि की यात्रा की बात करो तो एक रात में स्टोरी है कि कैसे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं. सो वेल जब आपने ये किया तो आपका जो देखने का नजरिया था वो पर्सनली कितना बदल गया टुवर्ड्स लाइक सेक्स वर्कर्स? बहुत बदला. बिकॉज एक तो उन्हें ना इज्जत मिलती है, ना प्यार मिलता है, ना अपनापन मिलता है. दे डू नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ पोजिशन ऑल्सो इन द सोसाइटी एंड द पीपल अराउंड देम ऑल्सो मेक देम फील ओ तुम तो ये हो. दे जॉनराइज देम, दे कैरेक्टराइज एंड उन्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं. उनके हक के लिए बार बार उनको लड़ना, उनकी बेइज्जती होना, तो तब वो मुझे शूटिंग के बाद समझ में आई कि हम अपनी ज़िंदगी में शायद इतने आगे निकल चुके हैं कि हम अपने अचीवमेंट को देखना भूल गए, अपनी इज्जत रखना भूल गए अपने ही दिमाग में. और हम लोगों के पास इतनी डिमांड करते रहते हैं ये वो फलाना धमकाना, बट जब इनके पास तो ना खोने के लिए कुछ है और ना उन्होंने कुछ ज़िंदगी में पाया, फिर भी ये कहीं ना कहीं खुशियाँ तो ढूंढ ही लेती हैं. एग्जैक्टली.
आपसे टेक अवे पूछूं तो क्या कुछ आपके साथ रहेगा टेक अवे रहता है आपके बाद? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पर्सनल थॉट मेरे चेंज हुए टूवर्ड्स माई लाइफ, टूवर्ड्स द वे आई लुक एट द पीपल. एंड आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक इट्स इन इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आप ना आप सेक्स वर्कर हो, ना डॉक्टर हो, ना लॉयर हो, ना नेता हो, बट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देम लिटिल मोर क्लोजली बिकॉज यू आर प्लेइंग एंड यू अंडरस्टैंड सर्टन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, द वे दे थॉट एंड ऑल, एंड स्पेशल मेंटल थॉट. सो यू गेट टू नो दैट देम लिटिल मोर बेटर. सो या लाइक आई सेड, लेट द राइट टाइम कम आई विल डेफिनेटली शेयर इट. एंड येस आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर द टाइम टू कम. हे गाइज, आई एम रश्मि देसाई, ऑल आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरी वन. अभी तो दिवाली की वेकेशन शुरू हुई है, आपके पास बहुत सारा टाइम है हंगामा प्ले पर रात्रि की यात्री सीजन 2 देखिए एंड शेयर योर रिव्यूज ऑल्सो.